तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ ठीक हो। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो इस टाइप का वायरल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो कैसे बनाते हो जाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो को मत स्किप करिए, वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना है। और सारे फाइल का डाउनलोडिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक उन्हें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारे फाइल का डाउनलोडिंग मिल जाएगा। तो इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको VN एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप का डाउनलोडिंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद आपको नीचे एक प्लस आइकन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको गैलरी पर जाना होगा और ऊपर राइट साइड पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको फोटो ड्यूरेशन पे जाना होगा और दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो ड्यूरेशन को 3 सेकंड कर देना है। उसके बाद आपको बैक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपको गैलरी से आप स्टेटस वीडियो में जो फोटो यूज करना चाहते हो उन सारी फोटो को आपको सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली एरो पे क्लिक करना होगा आपको। तो उसके बाद आपको ऊपर पे ओरिजिनल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो सिंपली इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके फुल स्क्रीन रेशो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उससे आपको सारे फोटो को एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सारे फोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो फोटो को एडजस्ट करने के बाद फोटो के लास्ट पे आ जाना है और लास्ट पे एक ब्लैक इमेज मिल जाएगा, तो सिंपली इस इमेज को आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से इस इमेज को आपको डिलीट कर देना है। तो उससे आपको सारी इमेज पे इफेक्ट्स को ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको इमेज को सिलेक्ट करना होगा और नीचे एक इफेक्ट्स ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो उसे यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना होगा और दोस्तों यहाँ पे आपको जाटा लेफ्ट का एक इफेक्ट्स मिल जाएगा, तो सिंपली इस इफेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना होगा और इस इफेक्ट्स का जो ड्यूरेशन है इसको ज़्यादा कर लेना है। और नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई टू ऑल, तो सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। तो उससे आपको सारे इमेज पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना होगा और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना होगा। तो स्क्रॉल करने के बाद जूम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ड्यूरेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन को फुल करना होगा और नीचे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो अभी तक ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके आपको ऑल कर देना है, ठीक है। तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको बैक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और दोस्तों यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो फिर से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको जाना होगा न्यू प्रोजेक्ट पे। और अभी आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट किया है तो सिंपली इस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एरो पे क्लिक करना होगा। तो उस वक्त आपको वीडियो के लास्ट पे आ जाना है और लास्ट में ब्लैक इमेज को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। तो उस वक्त आपको एक शैडो इमेज को ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको लेयर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको जाना होगा फोटो पे और गैलरी से आपको इस शैडो इमेज को सिलेक्ट करके आपको ऐड करना होगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐड कर लेना और इसका जो ड्यूरेशन है इसका ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक कर लेना है। तो उस वक्त आपको एक टेम्पलेट इमेज को ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको फोटो पर आ जाना है और गैलरी से आपको इस टेम्पलेट इमेज को सिलेक्ट करके आपको ऐड कर लेना है। तो उस वक्त आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको लास्ट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको फिल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उससे तक वो जाना होगा क्रोमा ऑप्शन पे और यहाँ से आपको ब्लू कलर को पिक करना होगा और इंटेंसिटी को आपको फुल करके ओके पे क्लिक कर देना है और इसका जो ड्यूरेशन है इसका ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक कर लेना है। तो उससे तक वो शैडो इमेज को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे शैडो इमेज को नीचे कुछ इस टाइप से इसको ऐड कर देना है, ठीक है। उससे तक वो वीडियो फुटेज को सिलेक्ट करना होगा और वीडियो को आपको छोटा करना होगा और वीडियो को छोटा करके इस फ्रेम में इसको एडजस्ट कर लेना है। और सारे फाइल का डाउनलोडिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक उन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइए। तो उसके बाद आपको एक लिरिक्स वीडियो को ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको लेयर ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर आपको आ जाना है वीडियो पे और गैलरी से आपको इस लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करके ऐड करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जाना होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर आपको लाइट एंड को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों इसका साइज को थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो साइज को ज़्यादा करने के बाद आपको नीचे में कुछ इस टाइप से इसको ऐड कर देना है। तो उससे आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको वॉल्यूम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना होगा और दोस्तों वॉल्यूम को फुल कर देना है। तो उससे आपको एक ओवरले वीडियो को ऐड करना होगा,
तो फिर से आपको लेयर ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आपको जाना होगा वीडियो पे, और दोस्तों गैलरी से आपका इस ओवरले वीडियो को सिलेक्ट करके आपको ऐड करना होगा। तो उस आपको जाना होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको लाइट एंड को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना होगा, और इसका साइज को आपको ज़्यादा करके यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको ऐड कर देना है। तो उस तरह ट्रेंडिंग टाटा वीडियो रेडी हो जाएगा, कुछ इस टाइप को देखने मिलेगा। तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है। तो मिलता है एक नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।